Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss about ICSI. ICSI को आम जुबान में test tube baby भी कहा जाता है. Infertility clinic पे बहुत ज़्यादा patient report करते हैं. उनका सवाल होता है कि test tube baby क्या है, क्या ये एक normal तरीका है कार है, इसकी क्या इसकी वजूहात हैं और क्या ये कामयाब हो जाता है. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ICSI का मतलब है intracytoplasmic sperm injection. ये एक तरीका है, इलाज है वो कपल्स विच आर लिविंग टुगेदर फ्रॉम लास्ट 5 ईयर टुगेदर और उनका बच्चा ना हो रहा हो और जिसमें मेल फैक्टर शामिल हो, यानी कि वो मेल्स जिनका सीमन लेस देन 1 मिलियन हो, तो वो जो मेल्स हैं उनके लिए ICSI एक बहुत अच्छी ऑप्शन है. इसके अलावा वो फीमेल्स जिनकी उम्र 38 साल 38 ईयर से ज़्यादा हो, वो भी ICSI की कैंडिडेट होती हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है, जदीद तरीका है. और इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें फीमेल्स को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं FSH LH, और जब उन एग्स मैच्योर हो जाएं तो उनको ट्रांसवजाइनली अंडर GA उनको निकाल लिया जाता है. और जो मेल का सीमन है, जो कि बहुत आम तौर पे या तो निल होता है, एजोस्पर्मिक होते हैं या ओलिगोस्पर्मिक या कम होते हैं, लेस देन 5 मिलियंस या 1 मिलियंस, उस एग के ऊपर एक सीमन को जो अच्छी क्वालिटी का सीमन होता है उसको डाला जाता है और उसके जरिए एम्ब्रियो को प्रोड्यूस किया जाता है. और एट डे 21 जब बहुत अच्छी प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होते हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बहुत अच्छी होती है, तो इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है यूट्रस में. सेकेंड क्वेश्चन, ICSI में कितने बच्चों को ट्रांसफर किया जा सकता है, कितने बच्चों को इम्बेड किया जा सकता है, तो इसमें थ्राइस ट्विंस और ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसीज जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि एट अ टाइम एटलीस्ट 3 एम्ब्रियोज को ट्रांसफर किया जाता है. उसके बाद एक और क्वेश्चन के ये जो एम्ब्रियोज हैं ये काफ़ी तादाद में बन जाते हैं, अगर 3 को ट्रांसफर करते हैं तो बाकी एम्ब्रियोज को क्या किया जाता है, तो इन एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता है. ICSI के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जो फीमेल्स में नजर आते हैं, उनमें हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज है, पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन है. इसके अलावा मे बी सम माइल्ड क्रैपिंग एंड माइल्ड स्पॉटिंग जो विद ट्रीटमेंट बेहतर हो जाती है, और ये इलामात इतनी शदीद नहीं होती. इसके अलावा डियर लेडीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ICSI का सक्सेस रेट बहुत सक्सेसफुल ये प्रोसीजर है. 90-95% जो है वो लेडीज इसमें कंसीव कर जाती हैं. इसलिए वो मेल्स जिनका सीमन ठीक नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, मॉर्फोलॉजिकली ठीक नहीं है, एंड लेस देन 1 मिलियंस है, इवन एजोस्पर्मिक हैं, वो भी इसमें जो है वो ICSI करा सकते हैं. मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स आपको दिखाऊंगी जिसमें ये बताया जाएगा कि आप देख सकें कि एक एग लेते हैं और उसमें एक ही सीमन जो अच्छी क्वालिटी का है उसको इम्बेड किया जाता है और उससे एम्ब्रियो बनता है. सो डियर लेडीज एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, ICSI से डरने की जरूरत नहीं है, ये आपका अपना ही बच्चा होता है और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोसीजर है. और आप वेट ना करें, वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि एटलीस्ट ICSI के लिए कम अज़ कम 8 मैच्योर एग्स मिलना ज़रूरी है और मेल के सीमन को केमिकल्स डाल के तेज़ कर लिया जाता है. थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.